सब्सक्राइब कीजिए दुनिया के सबसे आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, सारे जितने भी टॉपिक थे उसमें सारा कुछ पढ़ा दिया मैंने। और आज की क्लास में मैं जितनी देर के भी वीडियो हो उतनी देर में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी पहलू पर, सभी टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा नज़र डालते चलेंगे और एक ही बार में पूरा रिवीजन कर लेंगे, हम रिवाइज करेंगे उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक ही वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऑल फॉर्म्स को जानते हैं। आइए हम फटाफट करते जाएंगे, जिससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेकिंग फार्मूला, पहचान के नियम सब बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में। तो इसमें मैं डायरेक्ट हर जितने भी फॉर्म्स हैं उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे को एक एक दो दो तीन तीन सेंटेंसेस में बनाते चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाना। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है, नेगेटिव बनाते हैं इसका, ही हैज़ या हैजंट भी लिख सकते हैं, ही हैजंट ईटन फूड। क्या उसने खाना खाया है, हैज़ ही ईटन फूड। उसने खाना कब खाया, तो व्हेन Has he eaten food? ये पहला फॉर्म हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा लेते हैं, इन्फिनिटिव लेते हैं। वह खेलने गया है, यह इन्फिनिटिव वाला है, इसमें दो वर्ब आ रहे हैं, खेलने और गया है, तो ही हैज गोन टू प्ले। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, तो ही हैज नॉट गोन टू प्ले। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हैज ही गोन टू प्ले। अब इसका हम क्वेश्चन और कुछ भी क्वेश्चन लेते हैं कि वो कहाँ खेलने गया है, तो वेयर Has he gone to play? ठीक है फ्रेंड्स, ये रिविज़न क्लास सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने सारे के सारे क्लासेज हमारे अटेंड किए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स। अभी हम एडवर्ब लेंगे, एडवर्ब, जैसे वह अभी अभी आया है, ठीक है, तो ही हैज जस्ट, सॉरी, ही हैज जस्ट कम, ठीक है। नेगेटिव, ही हैज हैजंट जस्ट कम, वह अभी अभी नहीं आया है, हैज ही जस्ट कम। एडवर्ब्स का हम कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कभी कभी उसे देखा है, आई हैव seen him sometimes।
अब ये हो गया एडवर्ब। अभी हम लेते हैं स्टार्ट एंड बिगिन। सीमा, स्कूल जाने लगी है। सीमा स्कूल जाने लगी है, तो सीमा हैज स्टार्टेड टू गो टू स्कूल। ठीक है। राधा अंग्रेजी बोलने लगी है। राधा हैज बिगन टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट टू एंड बिगन टू वाला है, स्टार्टेड एंड बिगन। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि टू नहीं लगाएंगे तो उसमें आईएनजी लगेगा, जैसे कि राधा हैज बिगन स्पीकिंग इंग्लिश, टू लगाते हैं तो फिर आईएनजी नहीं लगेगा स्पीक में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लेते हैं हैज और बिन। जैसे मैं 10 सालों से टीचर हूँ। I have been teacher for 10 years। वह सुबह से व्यस्त है, तो he has been busy सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या वह सुबह से भूखा है? हैज ही बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, वह दो घंटों से कहाँ है? वेयर हैज ही बीन फॉर 2 hours। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इस तरह के सेंटेंसेस हम बोल चाल में बोलते हैं तो वहाँ पर आप ये कन्फ्यूज मत होना कि अगर कभी इजार एम लगा कर भी आप बोलते हैं तो भी चलता है, क्योंकि उसका भी मतलब वही निकलता है लगभग और लोग समझ जाते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि क्या वह सुबह से भूखा है, तो इज़ ही हंग्री सिंस मॉर्निंग, ऐसा भी हम बोल देंगे तो मतलब वही निकलता है। बट ये ग्रामेटिकली ऐसा सही होगा और रॉन्ग होगा, इसलिए हम ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वैसा बोलते हैं बोलचाल की भाषा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी हम वैसे सेंटेंस लेंगे जिसमें हम सिंस फॉर लगाते हैं बट बिन नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने सुबह से 2 कविताएं याद कर ली है, तो आई हैव लर्न्ड 2 poems सिंस मॉर्निंग। जैसे कि आपको हमने बताया था कि इसमें बिन क्यों नहीं लगेगा, जैसे इसमें वर्ब है, क्रिया है, दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और देयर इज नॉट बिन। व्हाई? बिकॉज इन दिस सेंटेंस, इन हिंदी सेंटेंस देयर इज वर्ब,
verb is given. So we don't have to put here been, okay? तो हमें been नहीं लगाना है यहाँ पर, सिर्फ has have लगाना है और verb का third form और since for लगाना है, ठीक है friends? तो ये था हमारा आज का एडवांस क्लास, मीन्स एक्स्ट्रा क्लासेस, जिसको रिविजन क्लास हम बोलते हैं, और हर टेस्ट के बाद मैं एक रिविजन क्लास देता हूँ, रिविजन का वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपको पूरा रिवाइज एक बार हो जाए, रिमाइंड हो जाए कि क्या क्या इस टेस्ट में कौन कौन सी टॉपिक थी और क्या क्या कौन कौन से फॉर्म्स थे जो मैंने पढ़ाए थे और आपको क्या क्या याद रखना है. तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से और भी याद हो जाएगा एक बार अगर आप रिविज़न कर लेते हो. और रिविज़न करने से तो सब कुछ याद रहता है, और रिविज़न बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए और रखने के लिए. सो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद.